गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका स्वतंत्र प्राइवेट आईटीआई के लर्निंग क्लासेस में। मैं गणेश कुमार सेन। आज का टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ ए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को सरल तरीके से किस प्रकार से बना सकते हैं, आज हम लोग को आइसोमेट्रिक बना के देखना है। तो आइसोमेट्रिक बनाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, जो उसका साइड है, लेंथ, हाइट और ब्रेथ। ये तीन चीज आपको आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेंथ, हाइट और ब्रेथ से क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाएंगे। आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 30 डिग्री एंगल पे दो रेखा खींचना है जो लेफ्ट दिशा और राइट दिशा में होगी। इस प्रकार से देखिए, इस तरह से एक लेफ्ट की तरफ खींचना है आपको 30 डिग्री में और एक राइट की तरफ 30 डिग्री में खींचना है। फिर इसमें क्या करना है, बीचों बीच बिल्कुल 90 डिग्री में एक रेखा आपको खींचना है इस तरह से। तो अब आपको देखना है कि लेंथ किधर मानते हैं और ब्रेथ किधर मानेंगे। मान लेते हैं कि अगर ये आपको 40, ये मान लेते हैं 40 दिया हुआ है, इस प्रकार से इसको खींच लेंगे। ये कितना है आपका, इसको हम 40 मान लिए तो इधर वाले को हम कितना मानेंगे, 30 मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक लेफ्ट के तरफ 40 मान लिए और राइट की तरफ क्या मान लिए, 30 मान लिए। हाइट कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, इसको भी हम क्या करेंगे, 30 मान लेंगे। अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ ये पॉइंट जो आता है, इस पॉइंट को 90 डिग्री खड़ा करना है, बिल्कुल 90 डिग्री इस तरह से। और खड़ा करने के बाद आप इसको 30 एमएम माप लीजिएगा, या तो फिर यहां से क्या कीजिएगा, 30 डिग्री में रेखा खींचना है इस तरह, फिर इधर खींचना है इस तरह। इसको क्या करना है, ये जो पॉइंट आया आपका, देखिए इस पॉइंट को भी 30 डिग्री इधर खींचना है आपको ऐसे, और इधर से भी क्या करना है आपको, 30 डिग्री खींचना है ऐसे। इस तरह से फिर ये हाइट कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, ये एक टेपर जॉब है, तो टेपर आपका, टेपर का आकृति आपको बनाना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक जो बनाएंगे उसको टेपर के आकार में सीखेंगे बनाने के लिए। तो टेपर बनाने के लिए सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, ये जो भाग है आपका कितना है, 40 है, 40 है, यहां से आपको 15 mm लेना है, और 15 mm लेने के बाद ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को कॉर्नर में बिल्कुल फ्री हैंड स्केचिंग मिला देना है, डार्क करके आपको मिलाना है, ये देखिए फ्री हैंड मिला देना है। ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट से आपको ऊपर की ओर 30 डिग्री में खींचना है ऐसे, 15 हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी यहां से यहां आपको मिला देना है बिल्कुल फ्री हैंड स्केचिंग ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये जो भाग है आपका, यहां से आपको 15 mm मापना है, और 15 mm मापने के बाद आपको ये 90 डिग्री 15 mm खड़ा करना है, ये देखिए ऐसे 15 mm खड़ा कर देना है, और ये जो भाग है, ये पॉइंट जो आया, उस पॉइंट को 30 डिग्री इधर खींचना है ऐसे, मतलब ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा, क्योंकि 30 था वो हाइट, 30 30 था। तो यहां होने के बाद अब क्या करना है, ये जो भाग है, इस भाग को लेफ्ट के दिशा में अंदर की ओर 12 mm, इसको क्या करना है, इस तरह से 30 डिग्री एंगल पे 12 mm खींचना है ऐसे, इसको भी क्या करना है, 12 mm खींचना है, जहां पर मिलेगा वो इसको ऐसे मिला देना है, डार्क कर देना है बिल्कुल। और डार्क करने के बाद ये जो पॉइंट बचेगा, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को बिल्कुल फ्री हैंड मिला देना है, ये देखिए इस तरह से,
अब देखना है क्या करना है, जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं उसको मिटा देना है। ये अंदर वाला क्या है, एक्स्ट्रा लाइन है, इसको मिटा देना है। ये जो भाग है इसको आपको मिटा देना है, ये भाग है इसको भी मिटा देना है। ये एक्स्ट्रा लाइनों को हम क्या किए, मिटा दिए, तो ये मेरा क्या हुआ, आइसोपरमेट्रिक प्रोजेक्शन कंप्लीटली बन गया। अब इसको क्या करना है आपको, अब इसको बिल्कुल डार्क करना है और डार्क करके आपको डायमेंशन दर्शाना है। इस तरह से आपको डार्क करना है। मान लेते हैं ये कितना है, 40 है, तो इसका डायमेंशन हम दर्शाएंगे ऐसे बिल्कुल थिन लाइन में। डायमेंशन लाइन कितना है आपको, इस तरह से, इस तरह से इस पे हम क्या करेंगे, डायमेंशन को दर्शाएंगे। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसी तरह ये कितना है, 15 करके है, तो इसको पहले डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद इसको बिल्कुल 90 नीचे गिराएंगे और इसको भी गिराएंगे क्योंकि बीच में भी देना है, 15 है तो, और इसको 30 में ऐसे खींचना है। इस प्रकार से आप इसको एरोहेड बना दीजिएगा और ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सरल तरीका से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का निर्माण कर सकते हैं और डायमेंशन को भी दर्शा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।